ये आदत है, क्या कीजिए, माने ना मनाऊं मैं, कैसे ये बताऊं मैं, टूटी हुई किस्मत है, क्या कीजिए। ड्रीम है फूलों का, सर पे सहरा सजे, खुशियों का बैंड ये अपने लिए भी बजे। टेंशन में है ये लाइफ, कोई सलूशन ना मिले, लाखों जतन कर देखे फिरता रहा दिल लेके, लेकिन जुड़े ना सिलसिले। छोड़िए और ना टेंशन लीजिए, कर लिया सब तो फिर अब दुआ कीजिए। मेरी प्यारी अम्मी। अरे वाह बहादुर, मुझे तो प्यारी उस वक्त कहता है जब तुम्हें मुझसे कोई काम होता है। बताओ क्या काम है। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा झूठ मत बोलो, जो भी काम है सीधे सीधे बताओ मुझे। अम्मी मुझे आपके पास प्राइस बॉन्ड पड़े ना, वो तो आपके पास ऐसे ही पड़े, तो आप वो मुझे दे देना प्लीज, मैं उनको कैश करवा के सारे पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा। अच्छा कहाँ इन्वेस्ट करोगे। अम्मी मेरे दोस्त के बिजनेस में। अरे रहने दो रहने दो, तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारी तरह फारिग होगा, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। अम्मी प्लीज ना, अम्मी प्लीज। देखो मुझसे ज्यादा बेकार की बातें मत करो, मैं नहीं देने वाली पैसे तुम्हें। आप लोगों को पता है शहर में हड़ताल हो गई है। किस लिए। अरे बहादुर भाई, हमारे शहर में हड़ताल करने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती। हाँ मैंने टीवी पे तो देखा था कि हड़ताल है और पहिया जाम है और सारी दुकानें वगैरह बंद रहेंगी, यही ना। अम्मी आपकी गरम गरम चाय आ गई। एक घंटा पहले कहा था चाय के लिए और देखो चाय बना रही थी कि पाए, इतनी देर लगा दी। शाजिया अल्लाह भला करे तुम्हारा, तुम्हें पता नहीं कि इतनी चीनी से शुगर हो जाती है। हाँ पता है। इतनी मीठी चाय क्यों बनाई। क्योंकि आप मीठी चाय पीती हैं। अरे साफ साफ बोलती क्यों नहीं कि तुम मुझे जान से मारना चाहती हो। ये बात तो मैं साफ साफ भी बोल सकती हूँ। बहादुर देख रहे हो तुम्हारी बीवी किस तरह बात कर रही है मुझसे। शाजिया बदतमीजी मत करो। आप अपनी अम्मी को नहीं देख रहे, सारे घर के काम करवाती हूँ, फ्रेंड मुझसे ऐसी बात करती है। आए कौन से काम करती हो तुम। क्या मतलब, मैं कोई काम नहीं करती। बिल्कुल नहीं, और जो काम भी करती हूँ ना इतना बेकार करती हूँ कि दूसरी दफा कोई इंसान बोले ही नहीं काम के लिए। लेकिन दूसरी दफा बोलती जरूर है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तुम लोग लड़ो तो मत। आप अपनी अम्मी को नहीं देख रहे, मुसलसल गलत बात कर रही हैं। बहादुर क्या मैं गलत बात कर रही हूँ। अरे खामोश क्यों है, बोले ना। हाँ हाँ बहादुर बोलो बोलो कि तुम्हारी माँ गलत है, गलत बातें कर रही है। अरे नहीं नहीं अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। भाईजान। भाई मैं आंटी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए माजरा। अरे वाह वाह माँ सदके माँ सदके, आज तो तुमने ना नमक का हक अदा कर दिया, बिल्कुल पालतू बच्चे बन गए मेरे। ठीक है आज से सारे घर के कामों का बायकॉट, अपने खाने पीने का इंतजाम ना आप लोग खुद कर लें। अरे 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 जा जाओ, हमें परवाह भी नहीं है, और खाना बनाना कौन सा मुश्किल है, ऐसे जाली देखती में चीज ऐसे मिलाया खाना बन गया, ये ऑर्डर कर देंगे, कौन सी बड़ी ऑर्डर कर देंगे। अरे बैठो ना बच्चे, आ जाओ। वैसे तूने आज हक अदा कर दिया नमक का। अम्मी और मैं चुप कर, ये ले चाय पी ले। नहीं नहीं उसमें बहुत चीनी, मुझे पता है। तुम्हारी बहन ने बनाई है, पता तो चले। अच्छा तो तुम क्या कह रही थी कि अगर तुम एक हमारे लिए खाना नहीं बनाओगी तो हम भूखे मर जाएंगे। हाँ
गुडू चलो जल्दी से फोन निकालो और ऑर्डर करो। जी आंटी, आपके हुक्म की तामीर होगी। आंटी लेकिन एक मसला है। कैसा मसला? वो आज हड़ताल है, कोई भी रेस्टोरेंट खाना डिलीवर नहीं कर रहा। क्या मतलब है इसका? क्या आज हम भूखे मरेंगे? लग तो यही रहा है। अरे नहीं नहीं, तुम सही से नहीं देख रहे, इधर दिखो। ये देखो, एक रेस्टोरेंट खुला है और ये होम डिलीवरी भी दे रहा है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, जलने वाले जलते रहेंगे। चलो तुम जल्दी से ऑर्डर करो। जी जी, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ आंटी के लिए एक ब्रोस्ट, बहादुर भाई के लिए चिकन बिरयानी और अपने लिए एक चिकन बीफ टिक्का। जबरदस्त जबरदस्त, तुम क्या समझ रही थी हम तुम्हारे आसरे पे बैठे रहेंगे? अरे रहने दो रहने दो, आजकल खाना बनाना और खाना मंगवाना कौन सी मुश्किल बात है? बिल्कुल नहीं। अब आंटी मेरे ख्याल से अब हमें टेरेस में चलना चाहिए, चुटकी को गुस्सा आ सकता है। चलें बहादुर भाई, खराब बात बोले। वैसे कोई नई बात नहीं है गुस्सा आना। चलो चलो करो करो गुस्सा। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। अल्लाह करे इनके राइडर का ही एक्सीडेंट हो जाए, पहुंच ही ना सके इनका खाना। यार गुड्डू चेक करो खाना कहाँ रह गया, कहीं उन्होंने हमारा ऑर्डर कैंसिल तो नहीं कर दिया। अरे बहादुर भाई, ये राइडर्स का नॉर्मल है, एक घंटे का बोल के हमेशा डेढ़ घंटे बाद ही आते हैं। इतनी देर क्यों लगा रहा है? भूख से चूहे दौड़ रहे हैं पेट में। गुड्डू तुम ऐसा करो कि ये ऑर्डर कैंसिल करो और किसी और जगह से ऑर्डर करवाओ। अरे आंटी, आपको पहले भी बताया था आज हड़ताल है, सिर्फ यही रेस्टोरेंट खाना डिलीवर कर रहा है। और अगर खाना अच्छा ना हुआ तो? अरे अम्मी, अब अच्छा हुआ या बुरा खाना हमें यही खाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि गलत वक्त पंगा जो ले लिया छुटकी से इन्होंने। तुम चुप करो। अम्मी आप ये सारी बातें छोड़े, आप मुझे ये बताएं, मैंने आपकी हाँ में हाँ मिलाई, आपकी हर बात मानी, अब तो आप मुझे वो प्राइस बॉन्ड दे देना। लगता है खाने वाला आ गया। चलो 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 भाई, चलो चलो भाई, चलो चलो चलो, पहले पेट भर लेते हैं, जेब बाद में भरेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बड़ी देर लगा दी आने में, चलो जल्दी से खाना निकालो। इसमें आप लोगों का खाना नहीं है। हैं? तो फिर ये किसका खाना है? इसमें पड़ोसियों का खाना है, पिछली गली वालों का। अबे तो फिर हमारा खाना कहाँ है? वो तो मैं भी लाया ही नहीं। तो फिर यहाँ क्या करने आयो? ऑर्डर कंफर्म करने आया हूँ। बे तुम क्या पागल पागल हो? देखिए बड़े भैया, गुस्सा मत कीजिए, बात ये कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई है, वो लोग ऑर्डर करते हैं और कैंसिल कर देते हैं। अब हमारी कंपनी ने कहा है कि हम जाएंगे उनके साथ वक्त गुजारेंगे, पर्सनली बात करेंगे और ऑर्डर कंफर्म करेंगे, फिर हम ऑर्डर लेकर आएंगे। ओ भाई मिल लिया। जी हो गई मुलाकात। जी ऑर्डर कंफर्म हो गया, जा जाके खाना लेकर आ। जी जी, मैं बस बिजली की रफ्तार से जाऊंगा और बिजली की रफ्तार से आऊंगा। अरे खुदा का वास्ता, बिजली की रफ्तार से आना जाना मत करना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जब बिजली जाती है तो वापस आने का नाम नहीं लेती। जीनियस जीनियस भाई, ये तो पागल है। पागल नहीं है, राइडर है। अरे कुछ निमकोई खिला दो। शाजिया, मेरी प्यारी शाजिया। मर गई शाजिया। हाय अल्लाह ना करे। आप मुझसे बात मत करें। हे शाजिया, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो, तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ, आप जाएं यहाँ से। शाजिया इसमें से मुझे भी थोड़ा सा खिला देना ना प्लीज। एक निवाला भी नहीं दूंगी। कैसे अपनी माँ की तरफदारी कर रहे थे जब वो कह रही थी कि मैं घर का कोई काम नहीं करती? खाना ऑर्डर किया ना, अब जाएं वो ही खाएं। अरे शाजिया, मुझे उनसे प्राइस बॉन्ड निकलवाने थे, इसलिए मैं उनकी हाँ में हाँ मिला रहा था। मुझे कुछ नहीं सुनना, चले जाएं यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। शाजिया बहुत भूख लग रही है, प्लीज। ये मेरा मसला नहीं है। अरे लगता है खाना आ गया, चलो। कैसा दोगला आदमी है ये। अस्सलाम वालेकुम। अरे तू पागल है क्या? अबे दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे यार देख, मैं माजरा चाहता हूँ, असल में काम का लोड बहुत ज्यादा, आज हड़ताल है ना तो मैं भूल गया था। अरे लेकिन हुआ क्या है? यार कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई है। अब क्या चेंज हो गई पॉलिसी? देखो हम कैश ऑन डिलीवरी पे काम अब बिल्कुल नहीं करते, ऑर्डर लेने से पहले आप लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, फिर मैं ऑर्डर लेकर आऊंगा। ये बात तुम पहले नहीं बता सकते थे? अरे बताया तो है, हड़ताल है, काम का लोड बहुत ज्यादा, यार भूल गया माजरा, अब जल्दी से पैसे दे ताकि मैं ऑर्डर लेकर आऊं। ये लो।
ये तो आगे खाने के, अब मेरी टिप। अबे टिप किस बात की टिप, खाना तो अभी आया भी नहीं है। अरे बताया ना कैश ऑन डिलीवरी पे काम नहीं करे, टिप भी पहले देनी पड़ेगी ना। ये लो टिप लो और जाओ जल्दी से खाना लेकर। अब बस मैं अभी ला रहा हूँ। ये लड़का मरना चाहे मेरे हाथों से, मुंह में जान निकली जा रही है। अजीब कैरेक्टर है यार। नहीं मुझे लग रहा है बहुत बड़ी गलती कर दी है मैं शाजिया से पंगा लेके। तुम मेरे सामने शाजिया की बात ही नहीं करो, हर वक्त डरते रहते हो शाजिया से। मुझे तो लगता है ये सारा मसला उस राइडर की वजह से हुआ है। अरे आंटी एक दफा खाना आ जाए ना मैं इसकी कंप्लेन करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गया, मुझे मिस तो नहीं कर रहे थे आप लोग। ओए तुम अंदर कैसे? दरवाजे से। अरे इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये कि हमारा खाना कहाँ है? यार सीन ये हुआ कि मेरी बाइक हो गई पंक्चर, अब वो मैंने बनने के लिए दी हुई है, जैसे ही बन जाएगी तो मैं खाना लेकर आ जाऊंगा। अब अच्छा नहीं लगता ना कि धूप में खड़ा रहूं। हाँ तुम चलो, तुम्हें मैं एसी में सुलाती हूँ ना। किसे अच्छा नहीं लगता भाई, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं आ गया हूँ। जैसी बाइक तैयार हो जाएगी फिर मैं फौरन चला जाऊंगा, लेकिन तब तक मैं यहीं पर बैठूंगा। अबे यार ये भूखा मरवाएगा। यार चौथी चेयर क्या बैठूंगा? अबे सर पे बैठो हमारे। अबे वहीं बैठ जा, मैं बताऊं। नहीं देखिए आप लोग नाराज नहीं है मुझसे? इतनी भूख लग रही है, ये वक्त भी देखना था। ऐसी होती है भूख तो आज पता चला है। वाकई ये लड़का तो मुझे पागल लग रहा है। मुझे तो इसका पूरा खानदान पागल लगता है। अरे तुम उनके खानदान को भी जानते हो? अरे जाहिर सी बात है अम्मी, मेरा ससुराल है। अरे ये मेरी बात नहीं कर रही, उस लड़के की बात कर रही है। ओह अच्छा आप उसकी बात कर रही है। अरे और नहीं तो क्या। और बात सुने, जरा आराम से बात किया करें, समझे ना, मुझे भी भूख की वजह से बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे अगर भूख की वजह से गुस्सा आ रहा है तो उस राइडर पे निकालो ना, जाओ उसे कहो कि खाना लाके दे। और जरा गुस्से में ही बोलना ताकि उसे लग पता जाए। जलील तो हम कभी नहीं हुए खाने के लिए जितना आज हुए। आदो ये आपने बहुत बड़ी गलती की है वैसे शाजिया से पंगा लेके। और तुमने शाजिया से शादी करके गलती की बहुत बड़ी। भूख से जम निकला जा रहा है और ये है कि बातों पे बातें की जा रही है। अरे छुटकी एक निवाला खिलाओ। पीछे हटे, और ये कौन है? ये हमारा राइडर है जो खाना लेकर आएगा। तो ये यहाँ क्यों सो रहा है, इसको जॉब पे रख लिया है क्या? अरे नहीं नहीं एक सेकंड उठो। एक सेकंड क्या हुआ, कौन है? सॉरी भाईजान आपको कैलोले में डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन आपको बताने ये थे कि आपके वालिद साहब का घर नहीं है। हाँ 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 ये तो मुझे पता है। और बात सुनो, चलो उठो और हमारा खाना लेकर आओ, और अगर खाना नहीं है ना डब्बे में बंद कर दूंगा। हाँ हाँ ला लो ला लो ला लो। एक सेकंड ये बात नहीं। चुटकी मेरी प्यारी बहन आधी रोटी खिला दो। यार लो मैं अंदर ही जाके खाऊंगा। अरे चुटकी ये खाना नहीं खिला रही, परवेज उसकी बाइक नहीं बना रहा, मैं पागल हो जाऊंगा। भूख भूख लग रही है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। शादी भी शादी करके नहीं आपका साथ देके। मतलब कि अगर मैं उस वक्त शाजिया का साथ दे देता ना तो वो मुझे खाना दे देती, आपका साथ दिया भूखा मरना पड़ रहा है। शर्म करो शर्म करो, कैसी तोता चश्मा औलाद हो तुम। हाँ अपनी माँ की खातिर दो वक्त की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं खुदा की कसम अगर मुझे प्राइस बॉन्ड की लालच ना होती ना तो मैं कभी आपका साथ नहीं देता। बहुत दुख हो रहा है मुझे तुम्हारी बात सुन के, और तुम भी अपने मतलब की वजह से मेरी हाँ में हाँ मिला रहे थे ना, कौन सा मेरा साथ दे रहे थे। अरे भाई आप लोग भूख में लड़ाई करना बंद करें, इससे ज्यादा भूख लगती है फिर। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो। अरे लगता खाना आ गया। गुड्डू तुम उठो जाओ जाके राइडर से खाना लेकर आओ, मैं किचन में जाके प्लेटें लगाता हूँ। ठीक है चलो चलो उठो उठो। अरे अरे कहाँ से उठो। अरे अब तो खाना आ गया है इंशाल्लाह। आ गया चले अम्मी भाई, अगर नौरी बातों पे भूख। मुझसे तुम बात मत करना, दफा हो जाओ इधर से चलो। और शाजिया को तो मैं खाना ही नहीं खिलाऊंगी ना, जिस तरह उसने हमें भूखा मारा ना उसे भी मैं भूखा मारूंगी। देख रहे हो हमारे लिए खाना बनाती है तो इतना बदजायका, रंग ही नहीं होता, और खुद का खाना कैसे चमक रहा है, हजम नहीं होगा तुम। खाना आ गया खाना आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे इस मनुस लेट लतीफ को क्यों लेकर आया साथ अपने? अरे इसको मैं लेकर गया, अपनी मर्जी से साथ आया है। देखिए हमारी कंपनी की पॉलिसी चेंज हो चुकी है। अबे अब कौन सी पॉलिसी चेंज हो गई है?
हाँ मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली अब सीन ये है कि हम लोग कस्टमर के साथ बैठ के खाना खाते हैं ताकि क्वालिटी के मायार को हम लोग बरकरार रख सके, हमारे खाने के जाये बदजायका ना हो। अच्छा अच्छा अपना रेडियो बंद करो, चलो गुड्डू खाना निकालो, खाना खाओ भाई खाना। हाँ हाँ, अबे ये क्या ले आए, ये तो दाल चावल है, हमने तो टिक्का बोटी बिरयानी ऑर्डर किया था। दाल चावल? ओहो, मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को ऑर्डर पिछली गली में देकर आ गया हूँ और उनको ऑर्डर यहाँ ले आया हूँ। तुझे पिछली गली में भेज दूंगा मैं। भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो यही खाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग ये खाना नहीं खा सकते। अरे क्यों नहीं करेगा, भूख लग रही है, जान निकल रही है, क्यों नहीं खाएंगे हम, रखो इधर। अरे मेरी बात सुने, अगर कंपनी को पता चल गया ना कि मैंने गलत ऑर्डर दे दिया है तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे हम कंप्लेन नहीं करेंगे। अरे आप लोग नहीं करेंगे लेकिन वो लोग तो कर देंगे ना, जिनको मैं गलत देकर आ गया हूँ। देखिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। अपने रिस्क के चक्कर में हमारे रिस्क पे क्यों लात मार रहे हो? अरे तो फिर हम क्या करें? आप लोग एक काम करें, यहाँ बैठ के इंतजार करें, मैं बस यूं गया और आप लोग ऑर्डर लेकर अभी आया, ठीक है? अरे लेकिन अबे अबे सुन तो जा, भूख लग रही है, बेचारा पत्ते खा लूं यार, दो पत्ते मेरे लिए भी ले आना। क्या खाना बनाया मैंने, उफ उफ मजेदार खाना है। वाह लाजवाब खाना है भाई, उफ। शाजिया शाजिया शाजिया, मैं कह रहा था तुम्हें याद है एक दिन हम लोग समंदर किनारे गए थे, तो तुमने बड़ी मजे की एक चाट बनाई थी और हमने समंदर किनारे बैठ के वो चाट खाई थी। आए जी जी बिल्कुल याद है, लेकिन ये आज आप क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है आज तुम फिर से वही चाट बनाओ, हम समंदर किनारे जाएं, समंदर के सामने बैठ के वो चाट खाएं। चाट या चमाट? मैं अभी आता हूँ। बेवकूफ समझा रहा है मुझको, चाट खाएंगे। अगर तू खाना नहीं लाया ना, मैं बताऊँ टांगे तोड़ दूंगा तेरी। यार एक मसला हो गया, मुझे पता था इसके साथ कोई ना कोई मसला जरूर होगा। अरे मेरी बात तो सुने, मसला ये हुआ है कि आप लोगों का खाना कोई खा गया है, आपको दोबारा ऑर्डर करना पड़ेगा। अरे बंदर मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी अगर ऐसी वैसी बात की तो। नहीं 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 आंटी देखिए, टांगे मत तोड़िएगा, अगर आप टांगे तोड़ेंगी तो मैं बाइक कैसे चलाऊंगा, और अगर मैं बाइक नहीं चलाऊंगा तो आप लोगों का खाना कैसे आएगा, क्योंकि आप लोगों की बहू बना के देगी नहीं, पड्डा चल रहा है ना है ना है ना। तुम्हें कैसे पता हमारे घर में क्या चल रहा है? डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट रात को भेज दिया था मुझे। गुड्डू सब छोड़ो, तुम जल्दी से ऑर्डर करो और तुम जाओ जल्दी जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, खाना लेकर आना। अरे सुनो बंदर, इस दफा तुम खाना नहीं लाए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, चलो दफा। अच्छा हाँ हाँ आंटी बात सुनो, टिप तो दो। अरे अभी तो नहीं दी गई, चल चल जाके टिप। टिप मांग रहा है या आए ना कुछ ले, मैं जान से मार दूंगा इसको। टिप याद रहती है, खाना लाना याद नहीं रहता इसे, सिर्फ टिप याद रहती है, खाना लाना याद नहीं रहता। अरे बहुत भूख लग रही है, जान निकल रही है भूख से। अम्मी अब तो मेरी बर्दाश्त खत्म होती जा रही है, आइंदा सोच समझ कर साइड लूंगा। हाँ भाई तो कैसा गुजर रहा है आप लोगों का दिन? बहुत अच्छा। वो तो नजर आ रहा है। वैसे आप लोग ने ना मेरे साथ बहुत गलत बात की थी, लेकिन मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ, जब मैंने खाना बनाया था तो आप सबके लिए बनाया है, तो अगर आप लोगों को खाना हो तो आप लोग खा सकते। हमें कोई जरूरत नहीं तुम्हारे खाने की, नहीं चाहिए तुम्हारा खाना। लेकिन अम्मी चुप करो तुम। मर्जी है भाई, मैं काम करती हूँ, वो खाना जो मैंने बनाया ना किसी गरीब को दे देती हूँ, वरना जाया हो जाए। अरे जाओ हमें परवाह नहीं, ये खाना ना अपने मैके वालों को भेज देना। बढ़िया रोब जमाने वाली। अरे आंटी क्या कर दिया आपने, अच्छा खासा मौका मिला था बात बनाने का, और नहीं तो क्या, पता नहीं क्या होगा। अरे बहादुर तुमने तो अपना नाम ही डुबो दिया, इतनी देर इंतजार किया तो थोड़ी देर और इंतजार कर लो। आए यार लगता है खाना आ गया, चले चले काम आगे जा रहे हो, मुझे भी लेके चलो। अरे यार कौन आ गया, अरे जल्दी खोलो जल्दी खोलो। ये रो क्यों रहा है? अरे बहुत गलत हुआ। क्या हो गया? अरे लेकिन हुआ क्या है, अरे तुम्हारा डब्बा कहाँ है, बल्कि छोड़ो हमारा खाना कहाँ है? अरे मेरी यहाँ पे नौकरी चली गई और आपको खाने की पड़ी है, हैं? हाँ गलत खाना ऑर्डर करने पर कंपनी ने मुझे निकाल दिया है। अरे भाड़ में जा तुम और तुम्हारी नौकरी, हमें ये बताओ कि हमारा खाना कहाँ है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे जब मैं कंपनी का मुलाजिम नहीं रहा तो मुझे कैसे पता होगा आप लोगों का खाना कहाँ है? एक काम करें कंपनी फोन करें, वो आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों का खाना कहाँ है। अबे तू इधर आ, मारना नहीं मारना नहीं। अरे 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 छोड़ो से छोड़ो, रहने दो
जल्दी से शादिया को बुलाओ, कहीं वो खाना किसी और को ना दे दे, हम तो भूखे मर जाएंगे। हाँ अब चुटकी शादिया। अरे बहू इधर आओ। बाजी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? वो असल में गुड्डू और बहादुर के बेहद इसरार पर मैंने फैसला किया है कि आज हम तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खा ही लेते हैं। आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि वो खाना मैं फकीर को दे चुकी हूँ। क्या?